पहला फैक्ट ये है कि 1991 में ही ये इसी पॉइंट्स पर, इसी मुद्दों पर हाई कोर्ट ने स्टे दिया। वो क्या वो स्टे वेकेट हुआ? आप अक्टूबर 2021 में ये पांच नए पिटिशनर्स कोर्ट को जाते हैं, वही सेम डिमांड उनका, और ये बोलते हैं कि हम सर्वे चाहते हैं और हमको ये कमिश्नर होना। जो 91 में स्टे दिया गया था, इसी बार डिमांड के ऊपर कोर्ट ने बोला नहीं, आप जाकर लोअर कोर्ट जो है ऑर्डर दे देता है। तो हमारा बोलना है कि लोअर कोर्ट का ऑर्डर गलत है। और दूसरी बात, प्लीज समझिए कि हम, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन कह रहा हूँ कि हमने पार्लियामेंट में कानून बना दिया कि 15 अगस्त 1947 को जो भी रिलीजियस प्लेस है उसको वैसे ही बरकरार रखेंगे, नेचर और कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। आप मेरे को बताइए, सर्वे क्यों किया जा रहा है? फिर सर्वे किस लिए किया जा रहा है? सर्वे वजह क्या है उसकी? 91 के एक्ट में यह भी कहा गया कि अगर कोई भी किसी रिलीजियस प्लेस का नेचर और कैरेक्टर चेंज करना चाह रहा है तो उस पर FIR बुक करना चाहिए। और मेरा डिमांड है कि उन लोगों पर FIR बुक होना चाहिए, क्योंकि उसका मकसद वही है, नेचर और कैरेक्टर को चेंज करने का। और सुप्रीम कोर्ट ने जो बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में जो फैसला दिया, उसमें पांच जजेस ने कहा कि 91 का एक्ट भारत के संविधान के सेकुलरिज्म और बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो ये फैसला ही गलत है लोअर कोर्ट का। ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में कांग्रेस क्यों नहीं मुंह खोलती? बोलो ना भाई, पार्लियामेंट का एक्ट है ना, छोड़ दो मुसलमान की मस्जिद तो छोड़ दो, आपको मुसलमान और मस्जिद से वास्ता नहीं है, मानता हूं मैं, पर कानून से तो वास्ता है ना तुमको। बोलो ना उसके ऊपर कानून क्या ऐसा है। आज बोलते आप, इतने दिन से हम जब बोल रहे थे तो उनको मालूम हो गया कि अब तो मामला गर्म हो गया। हिजाब के बारे में बोलने से आपको डर क्या है? भाई मेरा कल्चर का हिस्सा है, मैं पहनना चाह रहा हूं, मेरी बेटी पहनना चाह रही, कोई नहीं पहनता तो, कोई पहनना चाह रही तो आप क्यों नहीं बोलेंगे उस पर? आप नहीं बोलना चाहते इन चीजों पर। अब कांग्रेस दब रही है तो बहुत अच्छा है,